हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं 8। तो मैं नहा धो के रेडी होकर मैं पूजा करने के लिए निकली थी, बट मुझे फ्लावर नहीं मिल रहे थे। आज ट्यूसडे है और मेरा फास्टिंग भी है, ट्यूसडे है और आज 25 अप्रैल है। तो मैं आगे थी छत पर फ्लावर्स लेने के लिए और यहाँ का व्यू मुझे बहुत ही पसंद आया। मॉर्निंग के समय पर बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू और यहाँ पे माउंटेन ही माउंटेन था। तो मैंने आप सबको दिखाने के लिए छोटा सा व्यू वीडियो ले लिया और यहाँ पर मैं वाइट फ्लावर थे तो वाइट फ्लावर एक दो ले लेती हूँ और गेंदे के फूल भी एक दो ले लेती हूँ मैं फ्लावर्स पूजा करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर लगाई हुई थी, आंटी ने लगाई, यहाँ पड़ोसी आंटी ने लगाया था शायद ग्रीन चिली। और यहाँ पर ग्रीन चिली इतना खूबसूरत लग रहा था और साथ ही और इतना मतलब सारा ग्रीन चिली थे, पत्ते कम चिली ज़्यादा थे यहाँ पर। और जो भी लगाया था उन्हें तो पता भी होगा कि नहीं, यहाँ पर ग्रीन चिली इतने सारे निकल गए हैं। और मैंने तो एक तो मैं आ चुकी हूँ फ्लावर्स लेकर। तो यहाँ पर मैं फ्लावर लेकर रोज की तरह घर की पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आज हम जाने वाले हैं मंदिर, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। पूजा खत्म कर ली और यहाँ पर आ गई थी किचन पर, तो अपने लिए एक अच्छी से चाय बना रही थी और कप में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा मलाई। और आज मैंने बनाई अपने लिए मलाई टी, तो मैंने यहाँ पर मलाई टी बनाया और पीने में अच्छी लग रही थी मुझे मॉर्निंग में, तो मैंने टी पी। उसके बाद हम आज जाने वाले हैं, जिसके बताया मैं मंदिर जाने वाली हूँ, खानापारा गणेश मंदिर जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी और यहाँ पर मैं बाबू के लिए भी खाना उसे खिला देती हूँ पहले, सब उसे भी खाना उना खिला कर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, बाबू आ रहे हैं। हम यहाँ पर मंदिर पहुँच चुके थे और मंदिर के आगे कुछ दुकानें लगे थे, तो हमने वहाँ से कुछ फ्रूट्स फल प्रसादी ले लिया गणपति पापा को चढ़ाने के लिए। और इससे मैंने एक गणपति पापा का वो बैंड लगा दिया था सर पे, बट उससे मैं ही पहना था, वो उसे निकाल दिया उसने। तो हम मंदिर गए थे पर पहले हमें यहाँ जाना था, बट हम पहले उधर जो साइड पे और मंदिर है उधर हम चले गए और उधर जाकर हमने पूजा की पहले, और हम यहाँ पर फिर आए। पंडित जी यहाँ पर रहते हैं, इधर जो पहले जो मैंने दिखाया था पंडित जी वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर जो पंडित जी ने पूजा की अच्छी तरीके से पूजा कर दी और यहाँ पर मैं बाबू को घंटी बजा रही थी तो वो डर रहा था, घंटी बजाते समय डर रहा था। तो हम यहाँ पर आ गए और थोड़ी देर हमने यहाँ पर घूमा और घूमने के बाद बाबू को यहाँ पर उसके पापा बोल रहे थे कि प्रणाम करो भगवान जी को, तो वो प्रणाम कर रहा था भगवान जी को।
तो ये बहुत पुरानी मंदिर है गणपति बप्पा की, और जो लोग भी इधर से ट्रैवल करते हैं वो सब यहाँ पर अपना विश मांगते हैं और प्रणाम करके ही जाते हैं इस मंदिर को, और साथ ही कॉइन्स भी फेंक भगवान जी को देकर जाते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर पे जो भी विश मांगो वो पूरी होती है अपने सच्चे मन से मांगने पर, यहाँ मांगने पर हर विश अपनी पूरी होती है। तो मैं भी मंदिर गई थी और मुझे भी वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पर मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है क्योंकि अगर मैं स्लो करती तो वो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने यहाँ पर पर पूजा कर ली थी, और मैंने पूजा करने के बाद हस्बैंड जी भी पूजा करने लगे, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सबको। और यहाँ पर हम पूजा करके आ गए क्योंकि अभी जो है वो परेशान कर रहा था, उसे नींद लगी थी, उसे हमने नहला कर लेकर गया था तो उसका सोने का टाइम हो रहा था, तो वो आते आते रास्ते पे ही सो गया। आ चुके हूँ मंदिर से, और आज मेरा फास्टिंग है जैसे कि आप सभी को पता है। बाबू को सुलाने के लिए गए बट वो नहीं सोया, उठ गया, उसका नींद भी पूरा हो गया था शायद इसलिए उठ गया। मैं दही लेके आई थी खाने के लिए, अपने लिए दही लेके आई थी, बट ये दही तो आइसक्रीम बन चुका है। और मंदिर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा मंदिर पर, तो कुछ देर में रुकना चाहती थी बट नहीं रुक पाई बाबू के लिए। और आप जब मम्मी हो जाते हो ना आप एक, तो कहीं भी जाकर आप मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं ठहर सकते हो, और मेरा ये हेयर पूरा फुल चुका है। गणेश मंदिर है और रोड के किनारे, रोड के मतलब सामने ही है, तो और वहाँ पे ऐसा है ना जो कि जो बस से जा रहे या मतलब रोड के किनारे पे, तो जो भी जर्नी करे तो वो सब सारे जो भी कॉइन्स है कॉइन्स वहीं पर फेंकते हैं, तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि वो मतलब जो भी विश मांगो वो पूरा होता है, ऐसा टाइप का है, तो देखते हैं। इसलिए मैंने आप सबके साथ भी ये थोड़ा सा क्लिप शेयर किया, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज ये इतना वो आ रहा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बेबी है छोटा, तो मैं एडिटिंग कर नहीं पाती हूँ, वीडियो अगर शूट कर भी लूँ तो एडिटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, उसे सुलाकर करना पड़ता है, और रात को 1-2 बज जाता है एडिटिंग करते करते, तो इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी आप लोग मुझे प्यार दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा मुझे, और करती हूँ, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।